आज हम बनाएंगे और एक इजी एंड टेस्टी रेसिपी, यानी कि सॉल्टेड पीनट, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हे फ्रेंड, मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए है 1.5 कप मूँगफली। ये मैंने वो बड़ी वाली मूँगफली ली है जो कि मार्केट में मिल जाती है ईजी से सॉल्टेड मूंगफली बनाने के लिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम घर में जो मूंगफली यूज़ करते हैं आप उसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करके सॉल्टेड बना सकते हो और वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो आज मैं इसी बड़े वाले पीनट से सॉल्टेड पीनट बनाऊंगी। तो चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले यहाँ पर लिया है लगभग 3 कप पानी, यानी कि मैंने 1.5 कप पीनट के लिए यहाँ पर लिया है 3 कप पानी। हम इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे, इसको पूरी तरीके से उबलने देना है, अच्छे से इसमें उबाल आने देना है। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा गैस को लो कर देना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये ध्यान से डालना है तभी तो हमारे मूंगफली अच्छे से बनेगी। और फिर से इसको थोड़ा सा उबलने देना है और गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद तुरंत ही इसमें हमें ये पीनट को डाल देना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के रख देना है साइड में। और 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़े से फूल गए हैं, इसी तरह से हमें चाहिए। अब ये सही से बन गए हैं तो हम इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा निकाल देंगे। इस तरह से किसी भी प्रकार की छन्नी लेके इसमें से पूरा पानी निकाल देना है और इसको इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। हम इसको पूरी तरीके से नहीं सुखाएंगे, बट थोड़ा सा इसका पानी कम होने देना है। देखिए इस तरह से अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, इससे ज़्यादा इसको ना सुखाए। और यहाँ पे मैंने लिया है नमक, ये मैंने पहले यूज़ किया है। इस नमक को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, बस इसको जब भी काम हो जाए निकाल के रख देना है। पर ध्यान रहे, जब भी आप नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बर्तन एल्यूमिनियम का ही ले, स्टील का ना ले, उसमें वो चिपक जाता है। तो इसमें हमने ये सारे मूंगफली डाल दी है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है इसलिए इस पर नमक चिपकेगा, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जैसे जैसे ये अच्छे से रोस्ट होने लगेंगे इसके ऊपर का पूरा नमक निकल जाएगा। इसी तरह से इसको चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे, तभी ये अच्छे से बन जाएंगे। आपकी गैस के फ्लेम पे थोड़ा बहुत समय कम ज़्यादा हो सकता है, बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। जैसे कि मतलब हम इसको जैसे ही हाथों से इस तरह से मसल देंगे तो इसका ऊपर का कवर अगर आसानी से निकलने लगे तो इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। आप चाहे तो टेस्ट करके भी मालूम कर सकते हैं। अभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो हम अभी गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से ये देखिए, इसमें किस तरह से बढ़िया से आवाज़ आ रहा है, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। अभी भी इसके कवर निकल रहे हैं फिर भी इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। और जब ये इस तरह से पूरा ठंडा हो जाएगा तो देखिए कितने आसानी से इसके ऊपर के कवर निकल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आया है। ये देखिए आवाज़ कितना मस्त आ रहा है इसका, मतलब एकदम सही से मार्केट जैसे खारे सिंह बने हैं हमारे। तो आज हमने बनाई सॉल्टेड पीनट रेसिपी। अगर आपको मेरी आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर क्राउन रेसिपीज़ को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इस शुक्रवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।